बताता हूँ, इस मंदिर को मलाई मंदिर इसलिए कहा जाता है, मूर्ति दिखाई थी वो हिडिंबा राक्षस नाम की है। तो भाई क्या है कि कहा तो अभी आप लोगों ने देखा, हमने कार्तिकेय के कितने खूबसूरत दर्शन करे हैं भाई, मंदिर है भाई। और बताया गया है कि नवरात्रों के टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम इतनी भीड़ रहती है, मंदिर तो बंद है। तो एक्चुअली क्या है कि कल मेरे भाई का बर्थडे है, सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। अजय भावना ब्लॉग में आपका स्वागत है, मैं आपका अपना होस्ट अजय। अभी भाई शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम आए हैं आरकेपुरम सेक्टर 7 बलाई मंदिर में भाई। तो भाई बहुत ही अच्छा मंदिर है, मंदिर के बारे में बताया गया है भाई 7 जून 1973 में इसका निर्माण हुआ था। तो भाई आज मंदिर दिखाते हैं आपको, भगवान स्वामीनाथा के भाई दर्शन कराते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो में से कंटिन्यू रहे। तो भाई बात करेंगे तो मंदिर के बाहर ही भाई देखो यहाँ पार्किंग है, तो आप यहाँ पे अगर व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और मंदिर के जस्ट पार्किंग के जस्ट अपोजिट ही भाई फूल वूल की माला की प्रसाद की दुकान है, तो आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और भाई यहाँ पर जो है हम अपने शूज चप्पल वप्पल सब उतारेंगे। देखो भाई पूरी फैमिली आई है साथ में। किट्टी हाय गाइस बोल दो एक बार। हाय गाइस बैक टू मैनेजर बोलती हैं भैया। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, और मंदिर के मैं आपको सीनिक व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो दिखाता हूँ अभी मैं आपको। तो भाई अभी जो मैंने आपको मूर्ति दिखाई थी वो हिडिंबा राक्षस नाम की है। तो भाई क्या है कि कहा जाता है कि वो इस मंदिर की कार्तिकेय, एक्चुअली जो स्वामीनाथन जी है वो कार्तिकेय हैं, और भाई कार्तिकेय भगवान की रक्षा के लिए, इस मंदिर की रक्षा के लिए वो मूर्ति यहाँ पर लगा रखी है। बाकी भाई यहाँ का सीनिक व्यू देखो कितना बढ़िया, एकदम पालम का फ्लाईओवर दिख रहा है। आरती के समय पर साक्षात भगवान के रूप में बहुत बड़े मतलब सांप दिखाई देता है, जो कि आरती के समय अपनी परिक्रमा करके और दूध पी के यहाँ से चले जाते थे। यहाँ पे हर सावन के महीने में या वैसे तो हमेशा ही दूध चढ़ाया जाता है शेषनाग के शेषनाग को। तो बहुत ही पवित्र मंदिर है ये, मलाई मंदिर जिसे कहा गया है, और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। आगे बने रहिए, ये हमारे साथ छोटे। भाई ये रियल स्टोरी है कि यहाँ पर नाग पंचमी के टाइम पे सांप भी आते हैं और दूध पी के चले जाते हैं भाई, किसी को हार्म नहीं पहुँचाते वो। बाकी मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ यहाँ से आपको, ये देखो टॉप व्यू है यहाँ का, ये दिख रहा होगा पालम का फ्लाईओवर।
तो भाई अभी आप लोगों ने देखा हमने कार्तिकेय के कितने खूबसूरत दर्शन करे हैं भाई। वैसे बताऊं तो फोन ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने भाई दिखाया आप लोगों को, दर्शन कराए भाई। बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है भाई, बहुत ही पीसफुल मंदिर है। और ये मंदिर है जो वो है आरकेपुरम सेक्टर 7 में भाई, इस मंदिर का नाम है मलाई मंदिर। अन्ना अन्ना बड़ा कम तो भाई मैं, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस मंदिर को मलाई मंदिर इसलिए कहा जाता है बिकॉज क्या है कि मलाया साउथ में भाई बोला जाता है पहाड़ की चोटी को। तो भाई ये साउथ के जितने भी मंदिर रहते हैं मोस्टली वो है वो पहाड़ की चोटियों में बने होते हैं भाई। ये मंदिर पहाड़ की चोटियों में बना है, इसलिए आप इसकी हाइट देखो इतनी है। और भाई क्या है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, जैसे कि मैंने बताया पीसफुल मंदिर है भाई, बहुत ही अच्छा है, लगा लो। तो भाई थोड़ी फोटोग्राफी इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज क्या है कि 15 अगस्त आ रहा है, इसलिए फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बाकी मैं आपको थोड़े बहुत व्यू दिखाता हूँ बढ़िया बढ़िया से। तो भाई देखो बहुत ही अच्छा दर्शन होगा भाई मलाई मंदिर में, बहुत ही पीसफुल मंदिर है भाई, ज़्यादा भीड़ नहीं है ड्यू टू कोविड, क्या है कि कम लोगों को जाने दे रहे हैं। तो अब भाई हम जा रहे हैं सीधा भाई यहाँ से, काली बाड़ी है, काली माता का मंदिर है भाई, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भाई। और मलाई मंदिर के जस्ट पीछे ही है वो भी, काली बाड़ी बोलते हैं उसे, वैसे काली माता का मंदिर है। तो भाई ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जस्ट यहाँ से लगा लो मलाई मंदिर से 1 रोड पार करनी है और तुरंत भाई कालीबाड़ी का मंदिर आ जाएगा। दुर्गा माता का मंदिर है भाई, और बताया गया है कि नवरात्रों के टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम वो इतनी भीड़ रहती है ना, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती भाई। पूरे फैमिली वाले आ गए, भाभी और भाई जो है वो बाइक से आ रहे हैं, और किट्टू कहाँ गई, किट्टू भी नहीं आ रही भाई हमारे साथ, मम्मी पापा के पास जा रही है। हम अभी गाड़ी में, मैं पापा मम्मी और हम चलते हैं सीधा। भाई ड्यू टू कोविड बात करेंगे भाई, अंदर एंट्री अलाउड नहीं है अभी मंदिर के, बिकॉज क्या है कोविड के चक्कर में। बाकी भाई बाहर से दर्शन कर लो माता के, बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। You come from outer space. तो भाई अभी मंदिर तो बंद है, तो एक्चुअली क्या है कि कल मेरे भाई का बर्थडे है, तो भाई मंदिर चलते हैं, अपने भाई का केक लेने के लिए चलते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं जाना भाई, यहीं जाना है सेक्टर 8 या सेक्टर 6 जाना है। तो चलते हैं भाई, कल उसके बर्थडे का ब्लॉग देखने को मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया सा। आपको बताया भाई हमारे एक डांस कैसा होता है बर्थडे में, बाकी यहाँ से चलते हैं अभी। तो भाई कालीबाड़ी वाला मंदिर तो बनता, मैं आपको भाई दिल्ली में भी भाई जय माता वैष्णो देवी का मंदिर है उसके दर्शन कराता हूँ, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भाई। कुछ मान्यता है इसकी वो भी बताऊँगा मैं आपको, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में अभी।
देखे होंगे अभी आपने शीतला माता के भाई पिंडली रूप में दर्शन, भाई बहुत ही खूबसूरत दर्शन है, बहुत ही बढ़िया मंदिर है भाई। और अब चलते हैं भाई, मेरे भाई का कल बर्थडे है, उसका केक लेने चलते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में अभी। तो भाई अभी हम आ गए फाइनली सेक्टर 8 भाई, और सेक्टर 8 से हम केक लेते हैं हर बार। तो भाई अभी क्या है, थोड़ा मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखो मेहंदी की तैयारी हो रही है भैया, कितने रुपए लेते हो आप एक हाथ? 100 रुपए का। 100 रुपए एक हाथ। तो भाई जैसे कि आपको सभी को पता है राखी आ रही है भाई, फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आप यहाँ भैया के पास हो। भैया नाम क्या आपका? दीपक, मेहंदी वाले नाम है भैया का। इनकी भाई इनके यहाँ से मेहंदी लगवाओ, बहुत बढ़िया मेहंदी लगवाते हैं। भाई बात ऐसी है, अभी भावना को दिए ब्लॉगिंग करने के लिए, भावना कुछ बोल नहीं पा रही है इसमें अभी। और भाई खाने बहुत ही मीठे होते हैं, बाकी मैं और भी आइटम दिखाता हूँ आपको। जैसे क्या बोलते हैं ये पुलम ना, कितने रुपए किलो है? 200 रुपए किलो है भाई पुलम, देख लो। और भाई ये देख लो सबसे ब्यूटीफुल और मीठा फल पीच, आड़ू कितने रुपए किलो है? ये भी 150 रुपए किलो है भाई, देखो। भाई आप जिस शॉप की बात करेंगे, यहाँ सारा पूजा का सामान मिलता है। ये भाई साहब है, इनकी दुकान कब से भी आपकी है? 35 साल पुरानी दुकान है भाई, सारा मंदिरों का सामान मिलता है भाई। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। भाई बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सारा पूजा का सामान, मतलब जो नेचर वाली चीज़ें होती है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है भाई, जैसे भांग, धतूरा और बेल पत्थर, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है भाई। पापा दिखाते हैं अभी आपको। जैसे सावन का समय चल रहा है, ये भांग के पत्ते हैं, और ये आपने देखा है, मैंने बताया था आपको, ये 35 साल पुरानी दुकान है, तो यहाँ पर सारा का सारा सामान उपलब्ध होता है। मैं जब भी मार्केट आता हूँ तो कुछ ना कुछ भाई साहब से पूजा का सामान यहाँ से ले जाता हूँ, क्योंकि तो भाई फाइनली क्या है कि अब हमने सारा सामान भी ले लिया भाई, जो काम था वो भी कर लिया, मंदिर भी हुआ है भाई, अच्छे अच्छे दर्शन भी कर लिए। तो अब हम जा रहे हैं सीधा घर में, और रात हो गई है तो भाई लाइट थोड़ी प्रॉपर नहीं है, तो भाई घर जाके मिलता हूँ मैं आपसे सीधा। तो भाई फाइनली अभी जो हम पहुँचे हैं, वो पहुँचे हैं भाई अपने घर के नीचे, अपने ब्लॉक के नीचे। तो भाई कुछ चीज़ रह गई थी, दूध रह गया था भाई, वो लेने जा रहे हैं अभी। और किट्टी हाथ उठाओ उसको भाई, बहुत जिद करा इसने भी हमारे साथ जाने के लिए। बाकी भाई टीके देख लो, हमारे टीके लगे हुए हैं अभी भी। बहुत अच्छा मंदिर, कैसा लगा भानु सच बताओ? मंदिर जाके वाली टेक जो है मैं वो लास्ट में डालूंगा, इसलिए अच्छा लगा, पीसफुल मंदिर है ना बिल्कुल। मैंने आपको वहाँ की एक खास बात और नहीं बताई कि 1990s के टाइम पे वहाँ पर एक पीकॉक भी धारण हुआ था, मतलब किया था पंडित जी ने, पीकॉक को भी लाए थे वो। तो भाई इसकी स्टोरी में बताना भूल गया, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन में फ्लैश बता दूंगा फ्लैश करके। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लेने, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस बोल दो। हाय गाइस तो बोल दो क्यों। तो भाई फाइनली जो है वो हम घर आ गए हैं, और भाई बहुत ही अच्छा लगा भाई मलाई मंदिर देख के, भाई मजा आया, एकदम पीसफुल मंदिर है, कार्तिकी के बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई। तो नेक्स्ट व्लॉग जो आपको दिखेगा वो दिखेगा भाई के बर्थडे का।
तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो भाई लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। पापा देखो पूरे एकदम साउथ इंडियन बन के आ रखे एकदम। Never